तो मेरे को बड़ा ताज्जुब होता है। अरे आप कहते हो कि हम मुस्लिमों के हक की बात करते हैं, जरूर कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, मगर जब आपके आमदार अकबर साहब भाषण में कहते हैं कि हम 25 करोड़ है, तुम 100 करोड़ हो और पुलिस को हटाओ, ये हमारे हक की बात है, इससे हमारे मस्तिष्क छूटने वाले हैं। जब आप ये बात कहकर हैदराबाद में घर पर बैठते हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में इतना ही दम था तो आपके ही हैदराबाद में भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे राजा, जो हर समय मुस्लिम समाज के बारे में गलत बात बोलते हैं, गालियां देते हैं, तो आपने आपकी हिम्मत आपका दम वो हैदराबाद के एमएलए राजा को क्यों नहीं बताया? दंगे करवाता है, यानी बीजेपी और एमआईएम ये तो गंगाधरी शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर। आज 15 अगस्त है, हम 25 करोड़ और 100 करोड़ में झगड़ा लगाने की बात कभी नहीं करेंगे, क्योंकि हम मौलाना आजाद साहब के विचार को मानने वाले लोग हैं। मुस्लिम समाज को मैं उनसे एक ही बात पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी 70 साल की है, 70 साल में आपका एक खासदार था, दूसरा खासदार जलील साहब के रूप में औरंगाबाद में आया, वो भी अपक्ष हुआ, हर्षवर्धन यादव खड़े रहे इसलिए आया। हमारी पार्टी 22 साल की पार्टी है, इस 22 साल में हमारे नेता शरद पवार साहब ने तारिक अनवर साहब को राज्यसभा पर खासदार बनाकर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री बनाया, माजिद मेमन साहब को खासदार बनाया, पूजा खान मैडम को खासदार बनाया, मोहम्मद अफजल साहब को खासदार बनाया, यानी 22 साल में हमारे 4 खासदार, हसन मुश्रीफ साहब को कैबिनेट मंत्री बनाया, नवाब मलिक साहब को कैबिनेट मंत्री बनाया, पूजा खान मैडम को भी विधान परिषद पर लेकर राज्य मंत्री बनाया था, बाबा जनी दुरानी साहब को आमदार बनाया, हजा बेग साहब को आमदार बनाया, और आज जो तुम्हारे सामने नौजवान खड़ा है उसके घर में ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं मगर वो राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस का महाराष्ट्र का अध्यक्ष बोल के आपके सामने खड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ आदरणीय शरद पवार साहब कर सकते हैं। और आपके 2 खासदार 70 साल में, और आप हमसे पूछ रहे हो क्या दिया? आपको हक की बात करना है आप कीजिए, हम आपका स्वागत करेंगे, मगर खुदा के वास्ते किसी की सुपारी लेकर हिंदू मुस्लिम में झगड़ा लगे ऐसी बात मत कीजिए। और इस देश का अमर और शांति का माहौल, इस देश की गंगा जमुना तहजीब को खराब मत कीजिए। इन्हें ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की तो जेलगाड़ी में घूमती, स्लीपर चप्पल पहनती, उसको सीबीआई ईडी, मगर एमआईएम के कौन सा नेता को आई? सुने आपने नौजवान भाइयों, तो ये क्या चल रहा है हैदराबाद और गुजरात का? ये न समझते इतने अब लोग भोले नहीं रहे, जैसा आपको पश्चिम बंगाल में रुकाए वैसा भी महाराष्ट्र में और पूरी दुनिया में लोग रुकाने वाले हैं। पैदा होता वो दुनिया में चलता तो तुम हैदराबाद का पार्सल बिरयानी मंगाने की जरूरत नहीं, 2 महीने को आने वाली नहीं है, अभी वो अगले महानगर पालिका में आपको दिखाई देंगे। आए तो अगर आप सबने आने दिए तो महानगर पालिका में आएंगे, मगर आज से पहले ये आपको रोज आपके सुख दुख में रहने वाले हैं, और वो आने से सिर्फ मालेगांव शहर और नासिक जिले में नहीं तो महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ताकत बढ़ रही है, क्योंकि आसिफ भाई जब आमदार थे तब उन्होंने मुस्लिम समाज के हक के लिए काफी सारी बातें सभागृह में की, और जिस आरक्षण के लिए आसिफ भाई आप गए थे उस दिन जयंत पाटिल साहब ने भी आपको कहा कि आरक्षण ये महाविकास आघाड़ी की सरकार देने वाली है और उसी पार्टी में आप आ गए हैं।
आने वाले समय में मेरे नौजवान साथियों से मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस इतना ही कहूंगा कि आने वाले समय में हमें फिर से आसिफ भाई को बड़ी लीड से आमदार बनाना है। दस से लेके 50% की छूट।